क्या हुआ तेरे को? सही में मेरे रूम में तो नहीं लग रहा, मेरे रूम में लगेगा, पापा मुझ पर पढ़ाई करेंगे। अच्छा एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एसी लग रहा है रूम पे? कौन लगा रहा है? एसी वाले भैया। ये एसी सर्विसिंग करने के लिए अंकल आ गए हैं और मम्मी के रूम में एसी लगेगा। अंकल वहां से चढ़ भी गए हैं। कैसा लग रहा है तुम्हारे रूम से एसी? हम बैठ गए हैं। क्या क्या मुझे अच्छा लगता है वो इमोजी? कैसा इंसान है ये? और यहाँ ये मम्मी तो इसी सर्विसिंग के लिए आए हैं। तो और ये क्या है पापा? इसके अंदर रहता है, साफ करने के लिए बोला। यहाँ काम स्टार्ट कर दिया है, एसी खोल दिया और वहाँ पे जो होल हो रखा था उसको भी क्लोज कर दिया। और एसी देखो खोलने के बाद पीछे से ऐसा दिखता है, मैंने तो मतलब अभी वीडियो करते टाइम देख रही हूँ। तो हमारा दो काम था, सर्विसिंग भी कराना था और एसी दूसरे रूम में शिफ्ट भी करना था। तो शिफ्ट करने का रीज़न तो मैं बताऊँगी वीडियो के एंड में। और हर चीज़ को ना टाइम टाइम पे सर्विसिंग कराते रहिए। और आपके घर में भी है तो आप भी करा। अभी नहा के आई थी और यहाँ एक लड़की है जो बहुत अच्छा हेयर स्टाइल करती है, ऐसा करती है। ये शायद चोटी बनाएगी है ना, क्या बनाएगी? चोटी। तो चोटी बनाएगी। की आवाज़ मम्मी कैसे लग रही है? ये देखो अभी भी आ रही है। कब से हो रहा है? रोहित बोला क्यों निकलवाया? मैं बोल अच्छा हो जाएगा। क्या क्या बोला? क्यों निकलवाया मेरे रूम से? हाँ तो मैं बने तेरे रूम में तो किसी को हवा नहीं लगती थी, मेरे रूम में सभी सो सकते हैं। हाँ हाँ घुसने नहीं देता था अपने रूम में। हाँ इस मेरे में तो सभी आएंगे, माँ के रूम में तो सभी के लिए एक ही बराबर है ना। हाँ सब आएंगे। देखा उनको आगर तो मैं डाली तू कर, मैं डालने नहीं हूँ। नहीं डालने देगा क्यों? कैसा लग रहा है तुम्हारे रूम से एसी? कैसा लग रहा है तुम्हारे रूम से एसी निकल के? अच्छा चलाने कौन सा मिलता था, लेकिन तू ये डालेगी नहीं? वो चीज नहीं ले लेना। ठीक है ठीक है। कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल के रखे थे तब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। और मम्मी उधर आपके रूम में है। तो यार मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी तो आयुष मेरे लिए चिप्स लेके आया। और दो थैंक यू। एक साल बाद ही अंकिता क्या लगा रही है? ये क्या लगा रही है बता? ये फेस फेस में लगा रही हूँ DIY। मैं ना रोज कॉलेज जाता कि सनबर्न हो गया धूप में इसीलिए। तो क्या क्या है इसमें? इसमें है बेसन, नींबू, दही, अच्छा हल्दी और क्या डाली थी, हनी, ये सब डाला। ये कितना देर तक रखेगी फेस पर? बस 10 से 15 मिनट। ठीक है ठीक है, उसके बाद दिखाना सबको फेस अपने। मैंने लगा लिया है। हाँ आज आज उसने मेरी चोटी की थी ना, तो ये मेरी चोटी मैं दिखाना भूल गई थी। ऐसे होके भी उठ गई तो बहुत अच्छी लगती है मुझे ये वाली चोटी। एसी हमारा जो लाइट है उसमें हम चला नहीं सकते तो उसके लिए चेंज कराना पड़ेगा लोड। तो मैं आई थी ऑफिस में चेंज कराने के लिए, या तब से वेट कर रही हूँ। पता नहीं अंकल कहाँ थे, बहुत ढूंढने के बाद एक अंकल मिले, फिर उन्होंने सब कुछ बताया प्रोसेस, उसके बाद मैं घर आई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ आज। तो यहाँ लग चुका है एसी मम्मी का रूम में, सर्विसिंग भी हो गया। मम्मी एसी चलाओ ना अभी नहीं, जब तक उधर वो 3000 रुपए ना कर दे लाइट के लिए तब तक नहीं होगा। आयुष एसी चलेगा? आयुष कैसा लग रहा है? आयुष रूम, आयुष रूम में एसी लग के चला नहीं पा रहा, कैसा लग रहा है? अच्छा, अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है फिर तो। ये जिद नहीं कर रहा मम्मी चलाने के लिए?
नहीं, ये समझदार बच्चा है, मान जाता है, बोलता है नहीं। मैं बोली ना कि नहीं, अगर हम लोग सचमुच अगर हम लोग ऐसे चलाए ना बिना चेंज किए लाइट वाइट, तो पूरा उड़ जाएगा, तार उड़ जल जाएगा, तो क्या फायदा। इसीलिए इसीलिए ये भी मान गया है। अभी आई रोहित को पूछने के लिए कि रोहित कैसा लग रहा है आपके रूम से एसी निकाल के, आपको कैसा फील हो रहा है, आप प्लीज बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को। बहुत बढ़िया। एक मिनट मैं बैक कैमरा से दिखा देती हूँ। और क्या करते, एसी वहां भी नहीं चल रहे हैं, अभी नहीं चल रहे। बस मेरी एहसास हो गया कि मैं अडॉप्टेड। सही, इसको मैं बोल देके आई हूँ। मैं तो शुरू से सब अभी कंफर्म हो गया। कंफर्म हो गया ना, ठीक है। ये बोलते हैं हमारे घर में भेदभाव होता है बहुत बहुत ज्यादा। अच्छा, तेरे को नहीं प्यार करती? मम्मी किसको प्यार करती है? माँ माँ से तो कोई पूछ ही नहीं सकता है कि मैं किसको ज्यादा प्यार करती हूँ। माँ हाँ। के लिए सभी बच्चे एक बराबर होते हैं। हाँ। सब कुछ अच्छा, उसे इसलिए ऐसे निकाल दिया गया क्योंकि इसके रूम में तो कोई नहीं जाकर बैठा था। आइए, मेरा रूम भी बड़ा है और ये बेड भी बड़ा है, इसमें हम सभी पूरी फैमिली इसमें आ सकते हैं और एसी खा हम सभी मिल करके खा सकते हैं। इसीलिए इन्होंने एसी मेरे रूम में लगवा दिया। और कोई बात ऐसा नहीं है, ये देखो बेड कितना बड़ा है, सब इसमें आ जाएंगे और इसके रूम में मेरे को बैठने भी चलाओ नहीं। इधर कोई भी रूम में लगाए चलाओ कम से कम। चलाएंगे ना, अभी बारिश का मौसम है, अभी क्यों चलाए है कि नहीं मम्मी? ठंडा है, अभी तार भी तो चेंज करना है, तो फिर अभी बहुत खर्चा है। हाँ, साहब इसी वाला भी आए थे, बोल रहे हैं कि एसी नहीं चलाया क्या? बोले क्या सर्विसिंग करे? हम लोग ने बोला नहीं, वो ठंडी खत्म हो गई तभी तो हम लोग खड़ा था ना, गर्मी खत्म हो रहा था। उसके बाद में हम लोग वो तार जल गया, एसी वाला को चलाना ही बंद कर दिया क्योंकि तार चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ठंडा का मौसम हो गया, अभी गर्मी क्या गया। टंकी तो गई थी, बोल करके आई है, देखिए जब आएंगे तब अपना तार चेंज करेंगे। हाँ, लेकिन अभी नहीं कर रहे, अभी कुछ काम होने वाला है घर पे, हम आपको दिखाएंगे आगे के ब्लॉग्स में। हाँ। फिर से घर में कुछ काम चलने वाला है। पैसे भी खर्चा हो गया इसमें। हाँ, तो अभी थोड़ा हमारा डगमगा गया मंथली। रोहित के रूम से एसी निकाल लिया हमने, कुछ हाँ। नाइंसाफी किया। रीजन ये है कि घर ये ना रूम पे भी घुसने नहीं देता था, ये इतना ना कैमरे में दिखता इतना अच्छा है नहीं, बहुत शैतान इंसान है। ये बंद है, देखो देखो, देखा देखा बंद है। क्या कर रहा है ये, पता है इसने किताब ये इसके बुक में ऐसे मोबाइल रख लिया है। तो मुझे इसका किताब क्यों खोला है इसने? हाँ, तो क्योंकि मुझे याद आ गया, क्योंकि पापा हम लोग का भी, मेरे को और आशीष को पढ़ाते थे ना मम्मी, पापा मम्मी ये देख, हम लोग भी बचपन में किताब खोल कर बैठ जाते थे और जब तक कि पापा उधर वॉशरूम गए तो फिर हम लोग सो जाएंगे। मम्मी मम्मी फोन चला रहा था, हम लोग सोते थे। मम्मी मम्मी सो जाता मैं ना ऐसे मोबाइल करके हम लोग सोते थे क्योंकि ना नाना दो मिनट में क्या सो लेते थे। तो क्या करते, 4 बजे उठाते थे नाना पढ़ने के लिए, पता है हम लोग? ओ बाप रे, तुम उठे हो कभी भी 4 बजे? हाँ हाँ, कब उठाया? मैं जब स्कूल में थी मेरा एग्जाम होता था, सुबह उठती नहीं थी, बस एग्जाम का एक दिन पहले, बस बारी लगाई तो ऐसी चलती रहती है, तो इस वीडियो को यही बयान करते हैं। तो टाटा, बाय बाय, नेक्स्ट कल देखो ना, तो टाटा।